हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनाली शर्मा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इयररिंग्स का हॉल। तो मैंने मीशो से मंगवाए थे कुछ इयररिंग्स, तो देखते हैं वो मुझे कैसे रिसीव हुए हैं, मुझे पसंद आए भी हैं या नहीं आए हैं, तो हम ये देखने वाले हैं इस वीडियो में। और मैंने सारे ट्रेंडिंग इयररिंग्स मंगवाए हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट इयरिंग की आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लिप भी लगा लूंगी ये कैसी पैकिंग में आया था, तो आपको यहाँ पे पता भी चलता रहेगा। ओके, अगर मैं बात करूँ इस इयरिंग की, तो ये देखने में ना अच्छे लग रहे हैं बहुत, बट आप इसका देख सकते हैं यहाँ से सारा धागा निकला हुआ है इसका, ना यहाँ से थ्रेड निकला हुआ है। फिनिशिंग ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे, मतलब प्राइस के हिसाब से ना वर्थ इट नहीं लग रहे हैं मुझे ये वाले। ओके, अब मैंने इसकी प्राइस की बात की है, तो मैं आपको इसका प्राइस भी बता देती हूँ। 211 रुपये, 211 रुपये के हिसाब से ना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। और इसमें जो आप देख रहे हैं ना लटकन लगी हुई है, अगर आप इसको ये निकाल देते हो तो ये अलग भी हो जाएगी, तो आप इसको सिंपल भी पहन सकते हो। अगर आपको ये लगानी है तो ये भी लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट अच्छा है बट क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसका भी क्या ही कर लेंगे हम। और आप ही आप देख सकते हैं साइड में वीडियो चल रही है कि पहनने के बाद भी कैसे लगते हैं। ये है मेरे नेक्स्ट इयररिंग्स, जो कि ना देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, हल्के हैं, भारी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बट इनकी जो क्वालिटी है ना वो भी मुझे थोड़ी ऐसी लगी, और मुझे ऐसा लगता है ना ये थोड़े टाइम में काला पड़ सकता है बहुत ही आसानी के साथ। और साथ में आप क्लिप देख ही रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं पहनने पे, नो डाउट ही पहनने पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने ऐसे कभी कोई बड़े इयररिंग्स ट्राई नहीं किए, बट मुझे पर डेफिनेटली लगता है कि ये शायद थोड़े टाइम में ही काला पड़ जाएगा अगर इसको ढंग से हम बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो प्राइस की बात करते हैं, तो इसका जो प्राइस है वो 246 रुपीज़ है। तो ये है नेक्स्ट इयररिंग, जो कि इस वीडियो की सुपरस्टार बोल सकते हैं इसको, ये वाली इयररिंग है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, पहनने पे लगता नहीं है कि आपने कुछ पहना है, मतलब इसको आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और इसका जो प्राइस है ना वो 244 है। प्राइस के हिसाब से ना हाँ मेरे को इसमें ये भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मतलब मुझे लगता है ये 150 और 200 के आसपास ही होनी चाहिए थी, बट ये ना बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। और आप वीडियो में भी देख सकते हैं ये जितनी सामने से अच्छी लग रही है ना मुझे, ऐसे उतनी वीडियो में भी उतनी खूबसूरत आई हुई है, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसको ना 10 out of 10 देंगे हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये है चांद वाली है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रही है मतलब, और मैंने भी मंगवा ली थी ये। प्राइस के हिसाब से मेरे को ये उतनी वर्थ नहीं लगी क्वालिटी, और वैसे तो लाइट वेट है पहनने में, ये भी मुझे 246 की आफ्टर डिस्काउंट मिली है। मुझे लगता है एक दो बार के बाद आप खुद इससे मतलब हो जाओगे कि यार ये काली होगी, इसको क्या ही पहनने अब, है ना। और आप देख सकते हैं ये वीडियो में ना अच्छी लगती है, नो डाउट ये सामने भी अच्छी लग रही है, बट इसका है मटेरियल ऐसा कि लगता है कि ये मतलब काली हो सकती है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इयरिंग की तरफ, जो इसकी सेकेंड, इस वीडियो की सेकेंड शान को मान सकते हैं हम, वो शान नहीं है वो धब्बा है इस वीडियो के ऊपर। तो आइए देखते हैं उस इयरिंग को। ये है वो इयरिंग जिसको मैं बोल रही थी ये धब्बा, ये वाकई धब्बा है। मैं ना इसकी वीडियो भी डालूंगी आपको, ये फोटो डालूंगी, मतलब ये फोटो पिक्चर में कैसे दिख रहा था और ये आया कैसे है, मतलब ऐसा लग रहा है इसकी जो चेन्स है ना ये काट दी गई है रास्ते में आते आते। और सबसे फनी बात, इतनी गरीबी आ गई है, मतलब मैं क्या ही बोलूं कि जो इस इयररिंग को लेकर वो खुश हो चुका। इतनी गरीबी आ गई है कि वायर की ये लगा के इसके पीछे इसको लगा के इसे क्योर करना पड़ रहा है, बताओ। 175 रुपीज में हम इसको ले रहे हैं और पीछे वायर लगाएंगे, कौन लगाता है वायर। मतलब ये हमारे को आइडिया दे रहे कि कभी आपके अचानक किसी पार्टी में गए हो और आपका पीछे का यू नो हुप्स जो स्टॉपर है, सॉरी जो स्टॉपर है वो निकल रहा है, तो आपको कहीं भी वायर मिले ना पकड़ लो और लगा लो अपने इयररिंग्स के पीछे। मतलब मेरे को ये तो बहुत ही बकवास लगे, पैसा वेस्ट है, पैसा सच में वेस्ट हो जाएगा, इसको लेना मत बिल्कुल भी आप। और ये वीडियो में तो ऐसे लग रहा है कि वाह क्या इयररिंग है, क्या स्टाइल है, आप इसको पास से देखो पीछे से क्या बनाया है, ये समझ नहीं आ रही है मुझे, मतलब ये है ही क्यों, होनी ही नहीं चाहिए, किसने किया इसका इजाज़। ओके,
तो नहीं बोल दिया मैंने इस इयरिंग के बारे में, बट ये इयरिंग सच में ना धब्बा ही है। ओके, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन बटन को, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। गाइस बहुत मेहनत कर रहे हो यार, सपोर्ट करो, जल्दी से मेरे 1K करा दो ताकि मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए। ओके, अब मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय।